नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली कैंपस प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग को सभी को पता होगा कि आपकी परीक्षा जो है यूपीपीसीएस आरओआरओ की होने वाली है, यानी कि दिसंबर माह में प्रस्तावित है। साथ ही साथ में आपकी जो आगामी यूपीपीसीएस की परीक्षा है वो भी आपकी अक्टूबर माह में प्रस्तावित है। ऐसे में आपके अंदर एक जुनून और एक जो है जज्बा होना चाहिए कि किसी भी तरीके से आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, और इसके लिए जो बेसिक जो नीड होती है चीजों की वो आपको करने चाहिए, यानी कि आपको जीएस के साथ साथ में करंट अफेयर्स पर फोकस करना चाहिए। एक बात मैं महत्वपूर्ण आपको बता दूं कि अगर आपका टारगेट यूपीपीसीएस का है, यानी कि एसडीएम बनने का है यूपीपीसीएस के थ्रू टॉप मोस्ट जो पोस्ट होती है, या फिर कोई अन्य पोस्ट है, चाहे डिप्टी एसपी हो, बीएससी हो, या फिर कोई अदर पोस्ट हो, ऐसी पोस्टों को पाने के लिए, या फिर चाहे आपका आरओआरओ का टारगेट हो या कोई अदर एग्जाम का टारगेट हो, इसके लिए आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स देखना ही चाहिए। यानी कि डेली बिहाफ पे जब आप करंट अफेयर्स को करेंगे तब आप शत प्रतिशत प्रश्नों को सही कर पाने की स्थिति में रहेंगे। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि यूपीपीसीएस में लगभग 30 से 32 प्रश्न आपके जो है सीधे तौर पर करंट अफेयर्स के आते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा जो है सेक्शन होता है, इसको ऐसा नहीं कि लास्ट में जो मैगजीन्स आते हैं आप उसको कवर करके कर ले जाओगे, ऐसा नहीं है, लेकिन सारे प्रश्न आप वहां पर सही नहीं कर पाओगे। सारे प्रश्नों को सही करने के लिए जरूरी हो जाता है कि आप अभी से करंट अफेयर्स को करो, एक बात। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये क्या है कि चूंकि अगर आपका टारगेट यूपीपीसीएस का है तो आपको मेंस भी लिखना है, और मेंस में करंट के टॉपिक बहुत रहते हैं, यानी कि पेपर सेकंड पेपर थर्ड टोटली करंट ओरिएंटेड है, और आल्सो पेपर आपका जो यूपी स्पेशल वाला है। तो ऐसे में अगर अभी से आप करंट से जो है टच में उसके नहीं रहोगे, यानी कि आपको न्यूज नहीं पता रहेगी, तो आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। इसलिए जो है बुद्धिमानी यही है, समझदारी यही है कि वक्त की नजाकत को देखते हुए डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स को करिए। और मेरे द्वारा जो मैं करंट अफेयर्स कराता हूं उसमें मैं प्री प्लस मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट कराता हूं, इसलिए मैं आपसे बार बार हर दिन प्रतिदिन मैं आपसे यही कहता हूं कि आप लोग करंट अफेयर्स डेली देखिए, हर हाल में देखिए। आप 15-20 दिन देखिए, उसके बाद आपको जो है नॉलेज अच्छी खासी हो जाएगी। स्टैटिक के साथ में डायनेमिक के साथ में स्टैटिक पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में मेंस का मैं क्वेश्चन भी देता हूं और मैं कहता हूं कि आप उसकी प्रिपरेशन करके आइएगा, यानी कि उसको लिखने की प्रैक्टिस घर पे करिए, ठीक है। तो आइए हम लोग बिना देरी के हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि हर विद्यार्थी को इसका फायदा मिले और करंट के क्षेत्र में एक मुकाम हासिल हो कि एक भी प्रश्न आपका आपके एग्जाम में गलत ना होने पाए, यही हमारा टारगेट है, और अंतिम चयन आपका सुनिश्चित हो, यह हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। आप हमारे साथ लगिए, हमारे साथ मेहनत करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और डेली जो है अपने डायरी में अपने टारगेट को फिक्स कर लीजिए कि दरअसल आज आप पूरे दिन में कितना पढ़ोगे, क्या आपको करना है। टारगेट नहीं फिक्स करोगे तो चीजें नहीं होंगी, ठीक है। आज टारगेट फिक्स कर लो कि मुझे घटना चक्र के इतने पेज को पढ़ना है, या इतने चैप्टर को पढ़ना है, या फिर आंसर राइटिंग में करनी है हमको, 5 प्रश्न 2 प्रश्न 3 प्रश्न करने हैं। इस तरीके से डेली जब आप सुबह उठो या सोने से पहले अगले दिन का टारगेट फिक्स कर लो कि मुझे इस तरीके से इतने घंटे पढ़ाई करनी है, इतने आवर्स के साथ साथ में इतना हमारा जो है चैप्टर वाइंड अप होगा। और जब आप उस टारगेट को अचीव कर लो, एक दिन में, दो दिन में, एक हफ्ता में, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में, तब आप अपने आप को कुछ इनाम दो, कुछ अपने आप को प्रोत्साहन दो कि भाई हमने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है, आज हम पार्टी कर लेंगे, आज हम कहीं घूमने चले जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। अपने टारगेट को फिक्स करो, उसे फुलफिल करो और फिर अपने आप को इनाम दो, आप देखो कि आप जो है कितना प्रोडक्टिव स्टडी कर पाते हो, ठीक है। खैर, इस पर हम लोग किसी और दिन बात कर लेंगे कि किस तरीके से आपको स्टडी करनी चाहिए। फिलहाल के लिए हम आते हैं आज के करंट अफेयर्स पर, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर टाइम वेस्ट हो रहा है, जो कि मैं नहीं चाहता हूं, ठीक है। हालांकि ये बातें ऐसी हैं जो कि आपकी सफलता के लिए क्या है बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप बहुत डिमोटिवेट हो जाते हो, है ना। एक लंबा जब क्रम चलता है तैयारी का तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट आप लोग होते हो, बट अपने अंदर जो है कॉन्फिडेंस को बिल्डअप रखिए, उसको जाने मत दीजिए, लगातार जो है आप कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करिए, भरोसा रखिए, यकीन मानिएगा आपकी आपको सक्सेस जो है जरूर मिलेगा, आपकी सफलता जो है आपके कदम जरूर चूमेगी। खैर, पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर मैंने आपसे कहा था कि कमेंट बॉक्स में करिएगा, सभी लोगों ने उत्तर सही दिया था, सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। कुछ लोग जो है डिटेल्स में लिखते हैं अपने कमेंट्स को, उनको भी मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। हमने प्रश्न क्या पूछा था आपसे कि ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन दरअसल कहां पर होगा,
राइट है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका पेरिस, यानी कि फ्रांस में दरअसल जो है ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन होगा। आज भी मैं आपसे इसी प्रकार से एक प्रश्न पूछूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आइए अब हम आज के पहले कैंडिडेट पर चर्चा करते हैं। तो पहला हमारा क्या है करंट, कि हाल ही में केरल के किस नए नाम का प्रस्ताव विधानसभा में दरअसल क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, वहां के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया कि भाई देखो ऐसा है, केरल का नाम बदलकर यह करना है। क्या करना है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए केरलम है, बी करलम है, सी कोरलम है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। फटाफट आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो है केरलम करने की बात कही गई है, केरल का नाम बदल करके। ठीक है, आइए व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री कौन है, पिनाराई विजयन है। इन्होंने राज्य विधानसभा में केरल का नया नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव जो है रखा है। और केरलम दरअसल क्या है, मलयालम में केरल को केरलम ही कहा जाता है, और इसी बात को लेकर के इन्होंने जो है इस पर प्रस्ताव पारित करवाया है, यानी कि प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव विधानसभा में दूसरी बार प्रस्तुत किया गया है। पहली बार जो है केंद्र सरकार ने कहा था कि इस पर कुछ जो है करेक्शन करने की बात कही थी, उसके बाद से दोबारा अब जो है विधानसभा में इसको रखा गया था पटल पे। तो केरल को मलयालम में क्या कहते हैं, केरलम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में यही प्रश्न पूछ ले कि बताओ केरल को मलयालम में क्या कहते हैं। ठीक है, तो केरलम कहते हैं, यह पॉइंट भी आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा क्या होगा कि यहां पर अनुच्छेद 3 की आवश्यकता पड़ेगी, और अनुच्छेद 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों के नामों में परिवर्तन का जो है प्रावधान किया गया है। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 3 में संशोधन करना पड़ेगा, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं। इसके अलावा आप लोग को पता होगा कि इसके लिए दरअसल संसद में इसे जो है रखा जाएगा, उसके बाद जो है राष्ट्रपति के साइन के बाद ये जो है साधारण बहुमत के द्वारा इसको पास करके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जो है ये जो है प्रॉपर तरीके से अधिनियम बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में डेविड वार्नर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, और आपको बताना है कि दरअसल उनका संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है, यानी कि वो किस देश से संबंधित थे। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने भारत है, दूसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया है, तीसरा ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन न्यूजीलैंड है, डी ऑप्शन श्रीलंका है। क्रिकेट के प्रेमी तो आप लोग जरूर होंगे। ठीक है, आप बताओ आप लोग फटाफट कि इसका सही उत्तर क्या होगा। डेविड वार्नर जो हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच से संन्यास लेने की घोषणा की है, बताइए फटाफट आप लोग कि इनका संबंध किस देश से है। अब ऐसा तो हमें होगा नहीं कि क्रिकेट प्रेमी ना होंगे, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो क्रिकेट नहीं देखते हैं, मेरे जैसे लोग। ठीक है, कुछ लोग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, यानी कि डेविड वार्नर का संबंध दरअसल कहां किससे है, ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया के वो बहुत ही अच्छे जो है क्या है, बल्लेबाज है। अच्छा, क्रिकेट की बात आई है तो क्रिकेट तो आप लोग जरूर देखते होंगे, लेकिन क्रिकेट से एक बात सीखने वाली है, क्रिकेटर से। दरअसल क्रिकेटर जो होते हैं वो लगातार मेहनत करते हैं, कभी आप देखना, नोटिस करना, मैच हो या ना हो प्रैक्टिस उनकी जरूर होती है, ध्यान रखिए गया, क्या वो प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ते हैं। ठीक, एक बात। दूसरी बात इसमें और महत्वपूर्ण हो जाती है, जितने भी क्रिकेटर होते हैं वो हेल्दी होते हैं, हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छी बात होती है। तो क्रिकेट अगर आप देखते हो तो क्रिकेट से कुछ सीखो या ना सीखो, ठीक है, इंटरेस्ट आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन क्रिकेट से दो चीजें बहुत अच्छी सीखने वाली होती हैं, एक कंसिस्टेंसी का होना, यानी ठीक, यानी कि लगातार वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, दूसरा वो हेल्दी होते हैं, यानी कि अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हैं। और ये दोनों चीजें एक अच्छे विद्यार्थी के लिए जो है ये बहुत आवश्यक है, यानी कि जैसे वो प्रैक्टिस करते हैं डेली, तो आपको भी मॉक टेस्ट डेली लगाना चाहिए, मुख्य परीक्षा के आंसर की प्रैक्टिस करनी चाहिए, निबंध लिखना चाहिए, ठीक है, डेली रिवीजन करना चाहिए, डेली पढ़ाई करनी चाहिए, और साथ ही साथ में अपने हेल्थ पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए और आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो। क्रिकेट से दो चीज आप जरूर सीख लीजिएगा अगर क्रिकेट प्रेमी हैं तो, और निश्चित रूप से आप प्रेमी होंगे ही होंगे, शायद कोई ना हो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको सीखनी चाहिए, अगर कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करेंगे तो सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। चलिए, व्याख्या के अंतर्गत वही पॉइंट दे रखा है कि हाल ही में डेविड वार्नर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, और वो दरअसल ऑस्ट्रेलिया से हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बस इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, आपके लिए, हाल ही में केरल के किस शहर को यूनेस्को द्वारा साहित्य शहर के रूप में घोषित किया गया है।
तुरंत फटाक से टिक लगा लीजिएगा इस पर, किस क्या चीज का, मोस्ट इंपॉर्टेंट का। ऐसे प्रश्न जो होते हैं दरअसल सीधे तौर पर आपके एग्जाम में एक तरीके से समझ लीजिए कि लीक टाइप के होते हैं, कि ये प्रश्न आएगा ही आएगा। और ये कैसे आपको अनुभव होगा, ये अनुभव होगा आपको पीवाई किस के माध्यम से। और बार बार मैं आपको कहता हूं कि भैया जी लोग पीवाई क्यूज अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाओ। प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर जो होता है वो एक तरीके से एक रास्ता होता है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का। वो एक एनालिसिस आपको कराएगा कि दरअसल किस प्रकार की स्टडी आपको करनी है, ठीक है। तो जैसे आप करंट के क्वेश्चन को देखेंगे वहां पर, तो इस प्रकार के प्रश्न को आप तुरंत पकड़ ले जाएंगे कि भैया देखो ऐसा ये तो आएगा क्वेश्चन पक्का है, यानी कि आप अपने आप से तरीके से चीजों को एनालाइज कर ले जाओगे। तो बताइए भाई साहब लोग कि यूनेस्को द्वारा साहित्य शहर के रूप में किसे घोषित किया गया अभी हाल ही में केरल के, तो चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन आपके सामने है कोझिकोड, बी कोच्चि, सी तिरुवनंतपुरम या फिर डी कोल्लम, बताइए आप लोग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात केरल के कोझिकोड को अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा साहित्य शहर के रूप में क्या किया गया है, घोषित किया गया है। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहां पर और बता देता हूं कि दरअसल कोझिकोड यह जो है सम्मान पाने वाला एक तरीके से भारत का पहला शहर हो गया है, इसलिए यह न्यूज आपके एग्जाम के लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं यहां पर आपको बता दूं, कोई भी चीज जब प्रथम बार हो, पहली बार हो, है ना, ऐसी न्यूज अक्सर एग्जाम के लिए आपके क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। ये बिंदु आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में केरल के शहर कोझिकोड को यूनेस्को द्वारा साहित्य शहर के रूप में क्या किया गया है, घोषित किया गया, और यह भारत का दरअसल क्या है, पहला सिटी है, फर्स्ट सिटी है। इसके अलावा अक्टूबर 2023 में, ध्यान रखिएगा कि अक्टूबर 2023 में कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की साहित्य श्रेणी में क्या हुआ था, स्थान मिला था, याद रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते हैं यूनेस्को के बारे में, हालांकि यूनेस्को के बारे में मैंने कई वीडियो बताया, लेकिन आज फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं। तो फटाफट आप लोग बताइए आंख बंद करके कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तुरंत आंख बंद करके आंसर दीजिए बिना देखे, तुरंत उत्तर आएगा 1945 यानी कि 1945। अब बताइए यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस यानी कि फ्रांस में अवस्थित है, तुरंत याद रखिएगा, ठीक है। दोनों ही क्या है पॉइंट, ये आपके इंपॉर्टेंट है। और मैंने कई बार कहा है कि जितने भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो है आपके संस्थाएं होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उन सभी को आपको याद रखना होता है, ठीक है, चाहे वो WHO हो, चाहे IMF हो, चाहे WTO हो। और अगर राष्ट्रीय प्रदेश की बात करते हैं तो राष्ट्रीय प्रदेश में चाहे वो आपका नीति आयोग हो, चाहे वो OBC कमीशन हो, या फिर कोई SC/ST कमीशन हो, ऐसे जितनी भी संस्थाएं होती हैं वो आपको याद रखनी होती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, चाहे NGT हो, कुछ भी हो। चलिए, और अब जो यूनेस्को के महानिदेशक है वो कौन है, आद्रे अजोले हैं, ये भी याद रखना है। और हम लोग थोड़ा सा अब अन्य फैक्ट की बात करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनेस्को के द्वारा भारत के 15वें अमूर्त धरोहर के रूप में किसे शामिल किया गया था, गुजरात के गरबा को शामिल किया गया था। और यह प्रश्न मैंने आपको कराया भी था, अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट भी है ये, ठीक है। इसके अलावा भारत वर्ष 2024 में यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की मेजबानी कर रहा है, यह पॉइंट भी आपके लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसके अलावा यह 46वां सत्र होगा जो कि 21 से लेकर के 31 जुलाई के मध्य में नई दिल्ली में संपन्न होगा। तो जितने पॉइंट यहां पर अभी जस्ट हमने पढ़े ये सारे के सारे क्या हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा भाई साहब जी लोग, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी। हाल ही में NTA के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं, NTA बताओ क्या है, NTA फटाफट बताओ, NTA क्या है, अभी चर्चा में रहा है, NTA क्या है, NTA सोच के बताओ फटाफट मुझे। तो दरअसल NTA क्या है, इसको बोलते हैं नेशनल, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं N से हो जाएगा आपका नेशनल, और T से क्या हो जाएगा, टेस्टिंग, और फिर A से क्या हो जाएगा, एजेंसी, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये परीक्षाओं को कराती है, कई सारे एग्जाम जैसे आपका CUET का हो गया, UGC नेट का एग्जाम भी अभी करा रही थी, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम होते हैं, चाहे वो चाहे नीट का हो, चाहे अन एग्जाम हो, वो कराता है। और अभी हाल ही में ये चर्चा में रहा है, चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि UGC नेट के साथ साथ में बेसिकली नीट का जो पेपर है वो लीक होने की खबरें आई हुई थी, यानी कि आई थी, ऐसे में नीट के महानिदेशक को हटा करके नई नियुक्ति दी गई थी, इसलिए चर्चा में है और आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा, ठीक है।
और इस बार आप लोग को पता होगा कि जो यूजीसी नेट, जिसको हम लोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी को बोलते हैं, यूजीसी की बात याद आ गई तो ध्यान रख लेना, यूजीसी जिसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और यूजीसी क्या है और यूजीसी की स्थापना कब हुई थी ये आपको पता करना है, मैं बताऊंगा नहीं, आपका टास्क है। क्या टास्क नंबर फर्स्ट आपका आज का है, क्या यूजीसी के बारे में पढ़ना है, प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में आता है। तो अभी क्या हुआ था, हाल ही में यूजीसी नेट का एग्जाम भी दरअसल क्या हुआ था, लीक हो गया था। और पहले पेपर इसका क्या ऐसा होता था, ऑनलाइन होता था, एनटीए ही कराता था। ओके, तो अभी एनटीए के महानिदेशक नए नियुक्त हुए हैं, कौन नियुक्त हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए प्रदीप सिंह खरोला, या ऑप्शन नंबर बी अमित वाजपेयी, या ऑप्शन नंबर सी रोशन सिंह, या ऑप्शन नंबर डी आपका डॉक्टर विजय। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात प्रदीप सिंह खरोला को अभी हाल ही में एनटीए के नए महानिदेशक के रूप में उनको नियुक्ति प्रदान की गई है। और एनटीए क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो कि विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं को कार्यान्वित कराने का कार्य करती है, यानी कि उनको कराती है, कंडक्ट कराती है। ओके, चलिए पॉइंट वही दे रखा है जो कि मैंने आपको बताया, ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप लोग देख लीजिए कि हाल ही में एनटीए के महानिदेशक प्रदीप सिंह खरोला को नियुक्त किया गया है या फिर वो नियुक्त हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने दीमक के टीले कहां पर देखे गए हैं। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी अमेरिका, डी भारत। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि दक्षिण अफ्रीका। और इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, तो हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने दीमक के टीले दक्षिण अफ्रीका के नामाक्वा लैंड में देखे गए हैं। यह पॉइंट याद रखिएगा, तो हो सकता है आपसे नामाक्वा लैंड के बारे में पूछ ले कि यह दरअसल कहां पर अवस्थित है, तो यह पॉइंट आपको याद रखना चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। यह न्यूज अभी चर्चा में रही है इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो बताइए आप लोग फटाफट कि जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। और मुझे लगता है कि इसका उत्तर आप लोग को जरूर पता होना चाहिए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन बना क्यों दिया गया है, क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि इसकी बैठक संपन्न हुई है, ठीक है, 53वीं, इसलिए यह चर्चा में है। तो बताइए जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ए ऑप्शन प्रधानमंत्री, बी रक्षा मंत्री, सी वित्त मंत्री, या फिर डी नीति आयोग के उपाध्यक्ष। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, याद रखिएगा इसको। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा, तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, ठीक भाई, कोई बात नहीं, हमने समझ के लिया इसको। अब चर्चा में क्यों, तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि क्या हुआ है कि अभी हाल ही में 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक संपन्न हुई है और इसमें कई महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए हैं, आपको पता होना चाहिए, यानी कि कई चीजों से जीएसटी को हटाया भी गया है। किन किन चीजों से जीएसटी को हटाया गया आप लोग एक बार उसको गूगल कर लीजिएगा। फिलहाल जीएसटी चर्चा में है, तो जीएसटी से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में कुछ एक आ सकते हैं, जैसे कि क्या क्या। तो अगर हम लोग जीएसटी परिषद के बारे में अगर बात करते हैं, तो दरअसल इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 279 क्लॉज ए के तहत 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत किया गया था। ये दोनों ही पॉइंट कई बार आपके एग्जाम में पूछा है और ये हमेशा पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये संस्था किस प्रकार की है, संवैधानिक संस्था है, याद रखिएगा, ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कार्य जीएसटी से संबंधित विषयों पर केंद्र व राज्य को सिफारिशें करना इसका क्या है, प्रमुख कार्य है, तो ऐसे पॉइंट आपको याद रखने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है, बताइए फटाफट विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है आपके सामने 19 जून अर्थात ऑप्शन नंबर ए 19 जून, या फिर ऑप्शन नंबर बी 19 अप्रैल, या फिर ऑप्शन नंबर सी 21 जून, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका 21 जुलाई। फटाफट आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। अब आइए हम लोग इसको व्याख्या के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो दरअसल विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून को मनाया जाता है और विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस की स्थापना वर्ष 2005 में अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन जिसको हम लोग बोलते हैं IHO यानी कि इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा
की गई थी, यह पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा हाइड्रोग्राफी के अंतर्गत समुद्रों मतलब समुद्र नदियों झीलों आदि की भौतिक विशेषताओं का मापन और उनका वर्णन किया जाता है, यह आपको दरअसल याद रखना है। हो सकता है पूछ ले कि इसका कार्य क्या होता है, इसके अंतर्गत हाइड्रोग्राफी के अंतर्गत क्या होता है, तो तुरंत आपको यह पॉइंट बता देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगर हम लोग विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 2024 के थीम की बात करते हैं, जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एक ना एक थीम जो है अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो अगर हम इसके थीम की बात करते हैं तो इसकी थीम क्या है, हाइड्रोग्राफिक इंफॉर्मेशन इनहांसिंग सेफ्टी इफिशियंसी एंड सस्टेनेबिलिटी इन मैराइन एक्टिविटीज। ये क्या है, इस वर्ष की थीम है, याद रख लीजिएगा इसको। ओके, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन के बारे में। तो दरअसल इसका गठन कब किया गया था, 1921 अर्थात 1921 में। अगर हम लोग इसके सचिवालय की बात करते हैं तो सचिवालय इसका मोनाको में है और सदस्य 100 सदस्य देश हैं इसके भारत सहित, यानी कि भारत भी दरअसल अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन का क्या है, सदस्य है। तो आपसे प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि बताइए भारत अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन का सदस्य है या नहीं है, आपको तुरंत उत्तर देना है, जी बिल्कुल है, कोई समस्या नहीं है। ओके, कई बार ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी करंट अफेयर्स है, कोई भी न्यूज चर्चा में है, उसके जितने भी डायमेंशन होते हैं उन सभी डायमेंशन पर जब आप स्टडी करोगे तब आपका करंट एक भी गलत नहीं होगा, आप 100% यानी कि 100% अपने क्वेश्चंस को वहां पर सॉल्व कर पाओगे। और यूपीपीसीएस या यूपीएससी जैसे परीक्षाओं में अगर आपने करंट को बेहतर ढंग से तैयार कर लिया, यकीन मानिएगा आपकी परीक्षा नहीं रुकेगी, अगर ठीक ठाक से जीएस आपका रेडी है। गुड़ गोबर टाइप की अगर है, मतलब जीएस भी एकदम घटिया है, करंट भी नहीं खराब मतलब नहीं अच्छा है, तब तो कुछ नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर बैलेंसिंग अप्रोच आपकी है, ठीक है कि भाई जीएस नहीं अच्छा तो हमने करंट को अच्छा कर लिया, करंट अगर नहीं अच्छा थोड़ा सा वो है तो जीएस को अच्छा कर लिया। लेकिन होता क्या है कि आजकल जीएस के प्रश्न कुछ इस प्रकार से बनते हैं कि आप कितना ही पढ़ के चले जाओ चीजें नहीं हो पाती हैं। करंट एक ऐसा सेक्शन है कि अगर आपने डेली बिहाफ पे उसको कवरअप किया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, वहां पर आप ऑप्शन देकर के उसको टिक कर ले जाओगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कि हाल ही में किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता मिली है, यह प्रश्न भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए कि हाल ही में किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। पहला ऑप्शन है आपका भोपाल, बी इंदौर, सी श्रीनगर और डी आपका प्यारा सा सुंदर सा लखनऊ। बताइए कौन सा शहर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रीनगर, जो कि बहुत ही क्या है खूबसूरत सा शहर है आपका श्रीनगर। तो श्रीनगर को अभी क्या हुआ है कि हाल ही में विश्व क्राफ्ट सिटी के रूप में इसको मान्यता मिली हुई है। आइए इसकी हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। तो हाल ही में श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता मिली है और वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा इसे यह मान्यता दी गई है, यह बिंदु भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के बारे में तो शुरुआत कब हुई थी इसकी, तो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा वर्ष 2014 में वर्ल्ड क्राफ्ट पहल की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना वर्ष 1964 में हुई थी, यह बिंदु भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है पूछ ले कि वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी, आपको तुरंत उत्तर देना है 1964 अर्थात 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, चलिए अब हम लोग आज के प्रश्न पर डिस्कस करते हैं, यानी कि आज का प्रश्न है आपके सामने जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये संख्या बढ़ेगी। मैं डेली कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग उत्तर देंगे, मुझे बहुत प्रसन्नता मिलेगी और कुछ नया कुछ और बेहतर करने की मुझे क्या होगी, प्रेरणा मिलेगी इससे, है ना, मुझे लगेगा कि आप लोग सिंसियरिटी के साथ में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और अक्सर एक बात मैं आपसे कहता हूं कि हो सकता है जिस प्रश्न का आप उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें वही प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए, तब आपको अथाह खुशी मिलेगी, भरपूर खुशी मिलेगी। तो बताइए फटाफट कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, हालांकि शायद मैंने एक बार इसको पूछा है लेकिन फिर से इसका रिविजन करिए। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई है, ए ऑप्शन 1942 यानी कि 1942, ऑप्शन नंबर बी 1945, ऑप्शन नंबर सी 1955 या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए कि यूनेस्को की स्थापना इनमें से किस वर्ष में हुई थी, बहुत आसान सा शब्द प्रश्न है
और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी है आपके लिए, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोग प्लीज दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, यह मेरी छोटी सी हम्बल से आपसे रिक्वेस्ट है। अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न पर, जिसका उत्तर आपको घर पे बैठ के लिखना होता है। तो आज का हमारा पीसीएस का या यूपीएससी का या अदर स्टेट पीसीएस का जो मुख्य परीक्षा का प्रश्न है वो क्या है कि पिरामिड क्या होते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। यह प्रश्न आपका जाएगा जीएस पेपर थर्ड में एनवायरमेंट वाले सेक्शन में। और पिरामिड जो है ये पिरामिड आपके प्री में भी इंपॉर्टेंट है, प्लस आपके मेंस में भी क्या है इंपॉर्टेंट है। पिरामिड से एक प्रश्न आपके एग्जाम में प्री में तो हर हाल में पूछा ही पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा। बाकी ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मिलेंगे कल हम लोग एक नए सीरीज के साथ। डेली मॉर्निंग में आप लोग 8 AM पे यानी कि सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स देखना ना भूलिएगा। साथ ही साथ में मेरे द्वारा महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पर भी चर्चा की जाती है और साथ ही साथ में योजना मैगजीन जो आपकी होती है उसको भी कराया जाता है। अभी बीच में जो है मई का नहीं हो पाया था, तो अभी हम लोग मई और जून दोनों का जल्दी जल्दी कवरअप करवा देंगे। ओके, मिलेंगे कल एक नए सीरीज के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।